हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज रात आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। तो आपके पर्सन के मन में जो भी कुछ है व्यूअर्स, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जर्नल है, सभी के लिए है, तो इस रीडिंग को एज अ जर्नल ही देखना है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपसे कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से भी रेजोनेट हो सकता है। ओके, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो। सो लेट्स सी आपके पर्सन के मन में राइट नाउ आपको लेके क्या कुछ है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं क्या कुछ चल रहा है आज रात इनके पर्सन के मन में इनको लेके। ओके, सो वी हैव दी एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड दी हैरियोफेंट। देखिए व्यूअर्स, एक बात तो यहाँ पे तय नजर आती है, वो ये कि आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, वो इतने गहरे ख्यालों में खो जाते हैं जिससे निकल पाना समटाइम बहुत लंबे समय तक इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ठीक है, तो आज रात भी सबसे पहले तो एक बात क्लियरली मैं आपको बता दूँ कि यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं काफ़ी हद तक। ये एनर्जी व्यूअर्स ये दिखाती है कि आपके पर्सन इन यादों में, आपके साथ में या फिर आपके साथ में बिताए हुए पलों में इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं डीप में चले गए हैं जिससे वो खुद भी निकलना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं, जो भी है, क्योंकि वो जो पल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा या तो इनके दिल के करीब हैं, जस्ट लाइक कि आपके दिल के करीब हो सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि ये जो पर्सन है आज आपको मिस बहुत कर रहे हैं। वो होता ना सोचना किसी के बारे में कि हम ऐसा कर सकते थे, हम वैसा कर सकते थे, अगर ये ना हुआ होता तो हमारा रिश्ता ऐसा होता, अगर ये गलती नहीं हुई होती, क्योंकि गलतियाँ भी यहाँ पर नज़र आ ही रही हैं। क्योंकि मैं आज आपके पर्सन को एक तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं ये महसूस कर पा रही, दूसरा कुछ हद तक ऐसे ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं जो यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन आपके साथ में वो सब कुछ विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो मे बी हो ना सका, या फिर आप दोनों ने मिलके कभी सोचा होगा कि हम ऐसा अपनी लाइफ को जिएंगे या फिर इस तरह से आपके साथ में मतलब ये रिश्ता चलेगा, है ना। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये रिश्ता जो था आपका या तो किसी वजह से ब्रेकअप हो गया या टूट गया या फिर ये उसको पूरा नहीं कर पाए, आगे लेके नहीं जा पाए। तो थिंकिंग तो नज़र आ ही रही है और ये थिंकिंग यही दिखाती है कि ये उन कह सकते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या उन थॉट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जो इंसान को नेगेटिविटी की तरफ खींच के लेके जाते हैं। ठीक है, क्या थॉट है यहाँ पे? थॉट ऑफ एक्शन ये नज़र आता है कि इनके दिमाग में इस समय कहीं ना कहीं सबसे पहले विचार वो हैं कि इन्होंने आपको कैसे खो दिया, या फिर आप इनके लाइफ से कैसे चले गए, या फिर आपके लाइफ से ये कैसे चले गए, कहाँ पे चूक रह गई, कहाँ पे कमी रह गई। समवेयर लाइक मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप लोग एक रिश्ते को कंप्लीट करने के या एक दूसरे के होने के बेहद करीब थे, बेहद करीब, जस्ट लाइक कि कुछ ही स्टेप कहीं ना कहीं बाकी रह गए थे और आप कि वो जो जर्नी है वो बीच में ब्रेक हुई है, टूटी है, मतलब एक चेन जो चलती चली आ रही थी सपनों की, यहाँ भी सपने सजते चले जा रहे थे दूसरे के साथ में, आप लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे, खुशियों के साथ में आगे बढ़ रहे थे। मेन थिंग क्या थी कि भाई आप लोग एक दूसरे के साथ में इतने ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे के साथ में इतने में भी लिव इन में भी कुछ लोग हों यहाँ पे एक दूसरे के साथ में, फिर वो चीज़ें सेपरेट हो गई, यानी कि वो जो रिश्ता था आप लोगों का साथ में रहने का वो टूट गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आज यही देख रहे हैं कि हमारा रिश्ता इतना प्यारा था, इतना सुंदर था, एक दूसरे के साथ में हम कितने खुश रहा करते थे, मतलब पास्ट टाइम प्रेजेंट के कंपैरिजन में पास्ट टाइम ज़्यादा ब्यूटीफुल था आपका। अभी रिसेंट पास्ट की भी बात करूँ तो वो भी अच्छा नहीं रहा है, जो थोड़ा अर्ली पास्ट से भी पीछे चले जाओ आप, है ना, मतलब मुश्किल से मुश्किल अगर मान के चलो तो 5-6 साल पीछे चले जाओ, अगर आप कुछ इतना पुराना रिश्ता कुछ लोगों का हो सकता है या इससे ज़्यादा पुराना हो सकता है, तो उस समय जिस समय पर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में भी रहना या फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना प्यार मोहब्बत करना स्टार्ट किया था, एक दूसरे के लिए कितना मतलब पैशनेट थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, है ना, कि मतलब
कुछ भी करना है लेकिन मिलना है, एक दूसरे के साथ में रहना है तो कितनी खुशियों के साथ में रहना है, एक्साइटमेंट बहुत हाई रहा है। और उस समय किसी की परवाह भी नहीं की गई कि लोग, समाज, दुनिया वगैरह क्या सोच रहे हैं, कुछ परवाह ही नहीं है, सिर्फ जीना है इस रिश्ते को, इस रिश्ते के लिए ही जीना है, इस रिश्ते के लिए ही सब कुछ करना है। और मैं यही देख पा रही हूँ, इसीलिए आपके पर्सन के दिल पे इस समय आप राज कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, फिर नाइन ऑफ पेंटिकल भी नज़र आता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट तो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। ट्विस्ट मतलब क्या है कि इनका जो मे बी ये कह सकते हैं कि धाराएं चेंज हो गई, नदी का प्रवाह चेंज हो गया, जो जिस बहाव में आप बह रहे थे वो चेंज हो गई। तो आज मैं आपके पर्सन को व्यूवर्स ये देख रही हूँ कि ये उन यादों के साथ में है, मे बी आपकी कुछ फ़ोटोज़ हो सकती हैं इनके साथ में हो, आज ये उनको भी वॉच आउट कर रहे हैं, उनको कहते हैं ना सहेज सहेज के, जैसे धूल मिट्टी से चिपक गई है, साफ़ करो उन चीज़ों को, देखो यार ये मेमोरीज थी, इतने स्वीट थे, कुछ हंसी मजाक वाली मेमोरीज़ है, कोई एक दूसरे के साथ वाली फ़ोटोज़ हैं आप लोगों की, होंगी ज़रूर होंगी इनके पास में, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये उनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, उन यादों के साथ में, उन फ़ोटोज़ के साथ में, उन पलों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको जैसे कहते हैं ना नर्चर करना, उनको उनकी केयर करना, उन पलों को मिस करना, उनको फिर से ग्रो होते हुए देखना या फील करना कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, ये महसूस करना कि आप उनके साथ में हो, और साथ में अगर होंगे फिर से तो कैसा माहौल होगा, कैसे आप लोग होगे, ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लग रही होगी आपको, क्योंकि कुछ लोग मे बी इन चीज़ों पे बिलीव ना भी करो आप कि अगर ऐसा है तो वो क्यों नहीं कनेक्ट होते। सबसे पहले कुछ लोग देखो दिमाग में क्लिक करती है बात, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड की देख रही हूँ ऐसे में। अब क्वीन ऑफ सोर्ड ऐसी ही होती है या ऐसा ही होता है पर्सन कि वो दिमाग से सोचता, दिल की भावना को नहीं समझता, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो दिल की भावनाओं को नहीं समझता, उसको हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी चाहिए होती है, चीज़ें दिखे तो बिलीव हो, अदरवाइज़ वो बिलीव नहीं करना चाहता। तो आपकी एनर्जी ऐसी ही कुछ नज़र आ रही है, यानी आप इस पर्सन को इस समय देख, जब तक आप इस पर्सन को अपने लिए गिड़गिड़ाता हुआ ना देखोगे, तड़पता हुआ नहीं देखोगे, आपके सामने ये चीज़ें कन्फेस करता हुआ नहीं देखोगे, आपको बिलीव नहीं होगा। यू वॉन्ट टू सी, आप देखना चाहते हैं, और यही आपके पर्सन भी आपको इस समय महसूस कर पा रहे हैं, इसी एनर्जी में उन्होंने आपको महसूस किया है, इसीलिए मैंने भी आपको इसी एनर्जी में देखा, ठीक है। तो ये मैं कहूँगी व्यूवर्स कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको इस समय बहुत ही बदला हुआ देखते हैं, राइट, क्योंकि वो भी यही देख रहे हैं कि आप भी बदल गए हो, आपके अंदर भी वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा, जुनून नहीं रहा इनके लिए, या फिर ये कहें कि वो भावनाएं नहीं रही जिस तरह से आप पहले इन्हें प्यार करते थे, क्योंकि रिश्ते में आपके बहुत सी चीज़ें नेगेटिव हो गई, बहुत चीज़ें आपकी बदल गई, आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं मर गई, ये हुआ है आपके साथ में। तो ये जो पर्सन आप बन गए हो, ये आपके पर्सन को भी फील हो रहा है कि ये आप कितना बदल गए हो, आपको मे बी ये चीज़ें फील ही नहीं होती जो इनको फील होती हैं, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में एक नया कुछ तलाश रहे हो, या फिर कुछ नया डिसाइड कर रहे हो, कुछ अपना अलग मे बी रास्ते चुन रहे हो, तो यही मैं कह रही हूँ व्यूवर्स कि समवेयर ऐसी एनर्जी है, जब कोई इंसान किसी पे वार करता है ना, किसी के सीधे इंटेलेक्चुअल पे वार करता है, क्योंकि आप इस समय काफ़ी स्टेबली अपने आप को मैनेज कर रहे हो, और जब इंसान कोई दिमाग से ज़्यादा चले और एक सामने वाला पर्सन सिर्फ इमोशन के साथ में चल रहा है, तो उन दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती है, कंपैटिबिलिटी हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने दिल में सिर्फ आपके लिए देखो कितना, सिर्फ यहाँ पे कितनी एनर्जी आई है जो ऐसी इमोशन को रिप्रेजेंट करती है, भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है। ये जो पर्सन है व्यूअर्स, हर तरह से अगर देखो तो ज़्यादातर एनर्जी मेरे पर भावनाओं वाली, और आपकी एनर्जी भावनाओं वाली है ही नहीं, ठीक है। तो ये मे बी हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में ना आए, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन जिन लोगों को ये फीलिंग समझ में आ रही है अपने पर्सन की, तो यस 100% ये पर्सन आज आपको मिस बहुत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, ये कहूँगी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है आपके रिलेशनशिप में, मे बी कास्ट इश्यूज़ होगा आपके रिलेशनशिप में, या फिर समाज का ज़्यादा भय हो सकता है, डर हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है समवेयर, ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझ सकते हो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं खुद पर रोक लगा रहे हैं, बाउंडेशन लगा रहे हैं, या फिर सामाजिक सोसाइटी है जो इन पर बाउंडेशन लगा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले ये पर्सन, मैंने क्या बोला कि पहले ये सोचते नहीं थे, पहले ये हर चीज़ को इग्नोर करते थे, पहले ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब ये भी बदले, अगर आप बदले तो ये भी बदले। अब ऐसे सिचुएशन जब दोनों ही पर्सन बदले
करने हैं, तो ये हो गए हैं कॉन्शियस, अवेयरनेस इनके अंदर आ गई। किस बात की अवेयरनेस आ गई है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, अपने लोगों के बीच में इमेज क्या रह जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं अब इनके लिए, ठीक है। तो यही देख रही हो कि यही बेड़ियाँ बनी हुई हैं इनके पैरों में, इनकी इनके एक्शन में बेड़ियाँ बन गई हैं। इसी वजह से आपके पर्सन सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, मे बी एक्शन कोई आपकी तरफ नहीं ले पा रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक नाइट की एनर्जी देखती हूँ जो एक्शन ओरिएंटेड नज़र आती है, वो भी सिर्फ भावनाओं के साथ में, ठीक है, यानी फीलिंग्स के साथ में आगे बढ़ना दिखाती है। अदरवाइज फिजिकली लेवल पे कोई एक्शन यहाँ पे नहीं नज़र आते, एक्शन पॉज होते हैं, एक्शन रुकते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। देखो मैं कह रही थी वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये अपनी फीलिंग्स को भी आप तक व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बता नहीं पा रहे हैं। तो मतलब समवेयर अपनी फीलिंग्स को ये खुद ही मार रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि भाई अपनी फीलिंग्स को इंसान कहते ना खुद ही घोट 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 के ख़त्म कर रहा है या कर रही है, क्योंकि उसको डर है समाज का, उसको डर है अपने परिवार का, उसको डर है अपनी फैमिली का, ठीक है, उसको डर है अपनी इमेज का। और अब वो एक मैच्योरिटी वाली एज में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ लोग यहाँ पे मे बी हो सकता है कि 30 से अबव हों आपके पर्सन, तो जिनमें एक मैच्योरिटी डेवलप होने लगी है, पहले ये इन चीज़ों में नहीं थे, लेकिन अब ये हर चीज़ को सोच समझ के कदम उठाते हैं या उठाती हैं, राइट। तो देखते हैं और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएँ, गाइड करें वो क्या चाहते हैं इनके लिए। विजडम, इनविजिबिलिटी, लिसनिंग, फैदर, ओके। देखो व्यूअर, सबसे पहले ये चीज़ें नज़र आ रही है कि ये कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को ये नज़रअंदाज, मतलब आप समझ सकते हो कि जिन चीज़ों के लिए ये कभी फिक्र नहीं करते थे, मतलब क्या कहते हैं ना जो मैंने आपको अभी बताया, ये कभी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करते थे, अब ये फ़िक्र करने लगे हैं, अब इनको फ़िक्र होने लगी है। अब ये आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने कार्ड यहाँ पे निकाले हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप की कहीं ना कहीं इनको वो भी फ़िक्र होने लगी है, ठीक है। तो फिक्र तो यहाँ पे चारों तरफ से मुझे नज़र आती है, ये जो पर्सन है वो फिक्र में ही कहीं ना कहीं फंसा चला जा रहा है, ये मैं कहूँगी। और समवेयर इसको मे बी ताने भी पड़ते हैं आपके पर्सन को, ठीक है, मे बी आप भी मारते हो और लोग भी मारते हैं ताने, मतलब सुनाना हर कोई है कि इनको सुना के चला जाता है या सुना के चली जाती, जो भी कहो, जिस भी तरह से हो, कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये हर एक के सुन सुन के ना कान पक गए हैं इनके, ये कहूँगी मैं। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके इनको सुनाया गया है, ये जो रिश्ता है यही मुझे नज़र आता है, इस वजह से भी आपके पर्सन का एक रुझान आपकी तरफ आया है कहीं ना कहीं। मे बी इनसे इस रिश्ते को लेके कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से इनको औरों ने बहुत सुना है, मे बी उस समय आपका इंटरफेरेंस इतना ना रहा हो, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इनको अभी ऐसा फील होता है जैसे कि सबके बीच में होते भी बिना ये अधूरे अधूरे से है, कहीं ना कहीं खाली खाली पंसा है इनका। और एक चीज़ और मैं कहूँगी व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन को लेके, कि ये असमवेयर कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि ये आपकी फीलिंग्स की कदर करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत कुछ ट्राई करके देखा अपनी लाइफ के अंदर कि ठीक है जिस भी तरह से हो ये इस सिचुएशन से ओवरकम करे, पर ओवरकम हो नहीं पाया, ये मैं कहूँगी कि। और समवेयर ये भी नज़र आता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है, आप जो इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि ये रियलिटी में करके दिखाएं, तो इन फ्यूचर ये कहा जा सकता है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ कोई मतलब कोई एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। मतलब जो पास्ट में हुआ है, जो कहीं ना कहीं बातें हो गई हैं, उनको लेट गो करेंगे, वो सिचुएशन को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश आपके पर्सन करेंगे, क्योंकि इनके मन में कभी ना कभी तो ये ख्याल ज़रूर आता है। और जैसे मैंने बोला आज रात आपके ख्यालों में है, तो इनके मन में ये विचार आया है बहुत स्ट्रांगली कि काश मैं आपसे एक बार मिल सकूँ इन फ्यूचर ही सही, कभी तो आपसे एक मुलाकात हो और आपको ये अपने दिल की बात बता सके, ठीक है, कि इनके अंदर क्या कुछ चल रहा है आपको लेके,
ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। मे बी वन टाइम ही सही, पर आप इनके सामने आओ या आपके सामने आए और दिल खोल के बातें की जा सके, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है बस यही उम्मीद में कहीं ना कहीं आज नज़र आ रही है कि इन फ्यूचर कभी अगर आप दोनों का आमना सामना एक दूसरे के साथ में होता है तो अकेले में समय मिले और उस अकेले के समय को ये आपके साथ में स्पेंड कर सकें और आपको अपने दिल की सारी बातें कि क्यों आप लोग सेपरेट हुए, क्या वजह थी, किन चीज़ों पे वर्क करना था, किन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना था, इस रिश्ते का आगे क्या कर सकते हैं, समवे लाइक कि ये सारी बातें ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं। चलिए कुछ चैनल मैसेज लेते हैं। आज मैं आपके लिए हैंड रिटन चैनल मैसेज लेने वाली हूँ। ओके ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन तक क्या मैसेजेस अपने पहुँचाना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। आई सी अदर पीपल इन यू, आपके अंदर मतलब एक परफेक्ट मैच कहीं ना कहीं नज़र आता है। और ये क्यों नज़र आता है, क्योंकि वो आपके अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी को इमेजिन करते हैं जो कभी कभी स्प्लिट होती है। मतलब क्या होता है कि कभी कोई पर्सन में कोई किसी कैरेक्टर की कमी होती है, कभी किसी कैरेक्टर की कमी होती है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी नज़र आती है, अगर उसको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से रन कर सकते हो। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, मूव ऑन मत करो, रुक जाओ, वेट करो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से डर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको एक मिलके अपनी बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, तो इसीलिए ये भी एक मैसेज निकल के आता है कि वो आपको खोने से डरते हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन, मैं वैसा नहीं रहा या वैसी नहीं रही जैसे कि ये थे, अब काफ़ी कुछ बदल चुका है इनके अंदर। आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू यू, आपके पर्सन आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं खुद को। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड इट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नज़र आता है कि आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं ये सब कुछ क्यों हुआ आप दोनों के बीच में। जैसे कि मैंने बोला था कि ये इस रिश्ते की ही गहराइयों में खोए हुए हैं, तो फील कर पा रहे हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किया जा सकता था, कैसे बचाया जा सकता था, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आए थे आपके रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप उनके एक बेस्ट फ्रेंड भी रहे होंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आफ्टर लीव यू आई रिग्रेट, आपको छोड़ने के बाद में ये काफ़ी रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, राइट। तो ये को हैं व्यूवर्स आपके लिए आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूवर्स पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।